हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की जो अपकमिंग आने वाली रिक्रूटमेंट है उसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ESIC की तरफ से लगभग 20,000 पोस्ट के लिए बहुत सारे सीट्स पे ना, मतलब अलग अलग पोस्ट के ऊपर जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, ऑल इंडिया की वैकेंसी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में सारा डिटेल समझेंगे कि किस किस पोस्ट के ऊपर कितना रिक्रूटमेंट आएगा, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, एप्लीकेशन फी, मतलब सारा कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ESIC की तरफ से वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट आई है, ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि ESIC होता क्या है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंडर टोटल पोस्ट फ्रेंड्स 17,710। तो मान लेंगे फ्रेंड्स कि 18 से 20,000 तक के सीट्स आपके यहाँ पर आने वाली है। अब रही बात कि किन किन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है, MTS, LDC, UDC या UDC कैशियर, हेड क्लर्क या असिस्टेंट, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2 एंड सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। आइए देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितना सीट है और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। फर्स्ट पोस्ट MTS की अगर बात करें तो सीट्स यहाँ पर है 3341, 10th पास आउट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट है LDC का, 1923 सीट्स है, 12th पास आउट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट है UDC एंड UDC कैशियर का, 6435 सीट्स है एंड ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर की नॉलेज है जिनके पास होगी वही अप्लाई कर पाएंगे। हेड क्लर्क एंड असिस्टेंट का जो वैकेंसी है इसके लिए 3415 सीट्स है। इसका क्वालिफिकेशन अभी कुछ मेंशन नहीं किया गया, जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगी। फिफ्थ पोस्ट जो है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड 2 एंड सुपरिटेंडेंट के लिए 2596 सीट्स है, ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर की नॉलेज इसके लिए भी रिक्वायर्ड रहने वाली है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर नॉलेज, मतलब कि जिनके पास भी हर कैटेगरी का नॉलेज है वो सब, मतलब जो ESIC का रिक्रूटमेंट आने वाला है सबको ही अप्लाई कर पाएंगे। तो आप अपने अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पोस्ट समझ लेना और उसकी तैयारी में अभी से आप जुट जाओ। चलिए मैं एज की लिमिट समझा देती हूँ। MTS के लिए जो एज का लिमिट होता है ना, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 ईयर्स रखा गया है। UDC के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स एंड अदर बाकी जो भी पोस्ट है मैक्सिमम 30 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट होंगे ना वो अप्लाई कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ना बहुत ही सिंपल होता है। प्री एग्जाम मतलब फेज 1, फेज 2 और उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। और दोनों ही पेपर ना आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ किस पोस्ट के लिए क्या होता है। जनरली सारे बच्चे जो है ना UDC और MTS की पोस्ट के लिए भरते हैं। तो MTS के लिए सिर्फ और सिर्फ फेज 1 एंड फेज 2 का पेपर देना होता है। UDC के लिए ना आपका फेज 1, फेज 2 एंड स्किल टेस्ट आपको देना होता है। मतलब कंप्यूटर नॉलेज चाहिए तो कंप्यूटर का स्किल टेस्ट होगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि फेज 1 एंड फेज 2 का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जो आपका फेज 1 यानी प्री होता है ना उसमें 100 क्वेश्चन का पेपर होता है 200 मार्क्स के लिए। टाइम रहेगा 60 मिनट, मतलब कि 1 आवर का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 का। और यहाँ पर फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए है ना, तो पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस भी 50 मार्क्स के लिए एंड इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए रहने वाले हैं। सो ये तो रहा फेज 1 का एग्जाम पैटर्न एंड फेज 2 यानी मेंस का हम लोग देख लेते हैं।
जब आप इसको क्वालिफाई करोगे तो आपको मेंस के पेपर में 200 क्वेश्चंस का पेपर होगा 200 मार्क्स के लिए, टाइम विल बी 2 आवर्स एंड निगेटिव मार्किंग 1/4 का। मेंस में ना पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर बात की जाए तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए एंड इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स एंड टाइम विल बी 2 आवर्स। सो आप जब मेंस क्वालिफाई करोगे तो एमटीएस वालों को मिल जाएगा उनका ज्वाइनिंग लेटर, और जो यूडीसी वाले होंगे उनको देना होगा स्किल टेस्ट। तो उसके बाद आप जब ज्वाइनिंग करते हो तो आप सोच रहे होंगे कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी आएगी, जहाँ पे भी सीट अलॉट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में आपको सर्व करना पड़ सकता है। हाँ, रही बात की एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, तो जनरली जो ये वैकेंसीज होती है ना IBPS के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। तो आपका जो नियर बाई 3 सिटी होता है ना उसका ऑप्शन आपको मिलता है, जहाँ पे आप चूज करोगे वहीं पे जाके आपको पेपर देना होगा। और उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ज्वाइनिंग के बाद आपको क्या सैलरी दी जाएगी, तो पोस्ट वाइज ना अलग अलग सैलरी है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो कुछ भी डिटेल आपको बताई है ESIC की अपकमिंग रिक्रूटमेंट ग्रुप सी के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में आके पूछो, अदरवाइज इसका जो नोटिफिकेशन ऑफिशियली बताया गया वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर लो। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।